जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जी पप्पू लश्कारा। पप्पू लश्कारा जो है ना जी, वो बड़ा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। अच्छा, आप भी ऑनलाइन टाइप हैं? अगर आप ऑनलाइन टाइप हैं तो फिर फौरन सब्सक्राइब करें ना जी बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को। ऐसे बटन को दबाएं लाल रंग के तो सब्सक्राइब हो जाएगा। ये चंदा से बात करेगा ना, इनकार की वजह पूछेगा, समझाएगा उसे ना। प्रोफेसर ही है, इसका उससे क्या ताल्लुक? और फिर आप क्यों जा रही है? ठीक से बात करने का तरीका है, सलीका है, और फिर हम उम्र है दोनों, इसकी बात उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अरे हाँ, ढोलकी तो होनी चाहिए, और जो मेहमान आएंगे उनके लिए चाय पानी भी करना होगा। हाँ वो तो होगा। तो पैसे कौन देगा? तेरा बाप जहन्नम से भेजेगा? चंदा जी। अम्मा। बेटा, ये दुपट्टा जरा ओढ़ कर तो दिखाना। अम्मा, मैं कैसी लग रही हूं? बहुत प्यारी। मालूम है, जब तुम छोटी थी ना, ऐसे मेरा दुपट्टा ओढ़ कर पूछा करती थी, अम्मा मैं कैसी लग रही हूं? अम्मा, अम्मा रो क्यों रही हैं? कल तुम्हारा निकाह हो जाएगा, पराई हो जाओगी तुम। अम्मा, निकाह है, रुखसती थोड़ी है अभी। साल तो उस साल में रुखसती भी तो हो ही जाएगी, फिर तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। ओहो, जब जाऊंगी तब रोना ना अम्मा, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही, यही हूं ना। रोना बंद करे ना, वरना मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं रोना बंद करूं, खुश कर दिए मेरे आंसू, ठीक है? ये प्यारी अम्मा, हम मुस्कुराएं। वेरी गुड। अम्मा, तुम तो ये भी नहीं जानती कि मेरी रुखसती साल दो साल में नहीं, मेरी रुखसती तो किसी भी लम्हे हो जाएगी। चंदा, ये लो, तुम्हारे निकाह का जोड़ा स्त्री कर दिया। अरे क्या बात है चंदा, ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई? कुछ नहीं अम्मा, बस वो रात को ठीक से नींद नहीं आई। क्यों नींद ठीक से नहीं आई मेरी बच्ची को? आपसे दूर जाने के खौफ ने जगाए रखा है। दूर जाने का खौफ? अरे बेवकूफ, आज तो सिर्फ निकाह है, जब रुखसती होगी ना तब सोचना ऐसी बातें। रुखसती कौन सा दूर है अम्मा? कैसी बातें कर रही हो चंदा, जब रुखसती होगी तब होगी, अब इसे सोचकर क्यों परेशान हो रही हो तुम? अच्छा चलो, तुम जल्दी से ये जोड़ा पहनो, मुझे और भी काम है। अम्मा, अगर मैं अचानक रुखसत हो जाऊं तो मुझे माफ कर देना। डर गई ना, मैं मजाक कर रही थी अम्मा। चंदा, मैं पहले ही परेशान हूँ कि चंदा पहले जैसी चंदा नहीं रही, ऊपर से इस तरह की बातें करके क्यों मेरा दिल हौला रही हो तुम? हाँ खाला, हो गई सारी तैयारियां? हाँ खैर से हो गई। और चंदा को दुल्हन कहाँ से बनवा रही है? दुल्हन? हाँ चंदा दुल्हन तो बनेगी ना। अरे फौजिया, अभी तो सिर्फ निकाह है, जब रुखसती होगी ना तो देखा जाएगा। ऐसे भी चंदा के अब्बा से बात की ना तो खामखा भड़क जाएंगे। ऐसे कैसे भड़क जाएंगे,
मैं मनाती हूँ अख्तर चाचा को। ना ना ऐसा ना करना वरना दो बातें तुम्हें भी सुना देंगे। अरे छोड़े खाला मैं मनाती हूँ। अरे फौजिया फौजिया या अल्लाह क्या होगा या अल्लाह खैर। अख्तर चाचा एक गुजारिश करनी थी आपसे, वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। हाँ हाँ बोलो बेटा। चंदा का निकाह है आज और मैं चाहती हूँ कि उसे किसी अच्छे पार्लर से दुल्हन बनवाया जाए। अरे बेटा यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तू खर्चे करवाने वाली बात करती है। अख्तर चाचा लड़कियों के कुछ अरमान होते हैं कुछ ख्वाब होते हैं और इस तरह निकाह होगा तो लड़के वाले भी बातें मनाएंगे। देख बेटा तेरा को मेरी औकात मालूम है, वो जानती है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इस तरह के चोचले नहीं बर्दाश्त कर सकता। पर चाचा चंदा का दिल टूट जाएगा। अच्छा ठीक है जब रुखसती होगी मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, पहले ही बेटा मुझ पे बहुत खर्चे चढ़े हुए। अच्छा ठीक है तो फिर मैं अपने खर्चे पे चंदा को दुल्हन बनवा लूं, इस बात पे तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। उस पर मुझे कैसा एतराज, अपने खर्चे पे तू जो मर्जी कर। अच्छा ठीक है। अगर मुझे एतराज है। मगर क्यों चंदा, अख्तर चाचा ने इजाजत दे दी है। फौजिया पहले भी सीटी स्कैन और दवाइयों के पैसे तुमने दिए थे, आगे पीछे भी पैसे तुम ही खर्च करती हो, दुल्हन बनने के लिए 5-6 हजार रुपए लगेंगे। ना बाबा ना मैं तुम पे इतना बोझ नहीं बन सकती। रुखसाना खाला आप ही समझाएं इसे, बिना मेकअप के दुल्हन जचेगी क्या। अच्छा ठीक है जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें वापस करूंगी और तुम्हें लेने होंगे। अच्छा खाला ठीक है जब पैसे हो तो कर्ज उतार दीजिएगा। चलो चंदा वक्त कम रह गया। मगर फौजिया इस तरह अच्छा नहीं लगता। रुखसाना खाला चली जाओ चंदा, ऐसे वक्त कहाँ बार बार आते हैं। और फिर तुम फिक्र ना करो मेरी बच्ची, मैं फौजिया का सारा कर्जा उतार दूंगी। चल शुक्रिया खाला। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वही जो आपने सुना सा सुना। लेकिन बात तो ये तय हुई थी ना कि 2 साल बाद रुखसती होगी। ये क्या आवाज आ रही है? शराफत, अरे क्या कर रहे हैं अंदर शराफत? दरवाजा के वक्त निकाह है और तू चल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। तैयार हो रहा हूँ ना। अच्छा चल, ये आवाज किस चीज की आ रही थी, क्या कर रहा था? अलमारी का कब्जा निकल गया था, मैं ठीक कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा अच्छा चल जल्दी से आजा, देर हो रही है। आप चले मैं आ रहा हूँ बस। जल्दी से आजा। Oh,
फरवा अहमद बिनते अख्तर अहमद आपका निकाह शराफत हुसैन वल्द करामत हुसैन के साथ बाइवज 5,000 पे सिक्का राजुल वक्त हक मेर शर मुहम्मदी किया जाता है, क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या कबूल है? जी कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। बेटे जहां दस्तखत कर दो। यहां भी यहां भी मुबारक हो। अख्तर साहब निकाह की इजाजत है? हाँ बिस्मिल्लाह करें जी बिस्मिल्लाह। शराफत सैन वल्द करामत सैन आपका निकाह फरवा अहमद बिनते अख्तर अहमद के साथ बाइवस 5,000 रुपये नगद सिका राजल वक्त हक मेर शर मुहम्मदी किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल। क्या आपको कबूल है? कबूल है। यहां दस्तखत कीजिए। आमीन। आपको मुबारक। बहुत शुक्रिया। खुशी ले लो। चंदा आगे साहब, ये शरण मेरी बीवी हैं और मैं अब इन पर पूरा हक रखता हूँ ना? जी बिल्कुल, ये आपकी मनकूहा हैं और आपकी जोजियत में हैं। मतलब ये कि मेरी खुशी में ये खुश और मेरी रजा में ये राजी। जी जी। तो अब लुब्बे लुबाब ये है कि मैं अभी इसी वक्त
अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। चल चंदा। शराफत पागल तो नहीं हो गया तू? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वही जो आपने सुना सासू माँ। लेकिन बात तो ये तय हुई थी ना कि 2 साल बाद रुखसती होगी। हाँ सासू माँ हुई थी, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं ये क्या बकवास कर रहे तू? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अम्मा कानूनी तौर पर चंदा मेरे निकाह में है, मेरा हक है इस पर, और मैं इसे लेकर जाऊंगा, और ऐसा करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। भाई ये सब आप क्या कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है, इस तरह नहीं कर सकते आप। बकवास बंद कर, छोटा है छोटा ही रहा। खबरदार जो मेरे और मेरी बीवी के मामले में टांग अड़ाई तूने। शराफत बेटा ये ठीक है कि चंदा तुम्हारी बीवी है, लेकिन अभी तो हमने जहेज भी नहीं बनाया, सारी तैयारी करनी है। 2 साल ना सही, 1 साल के बाद रुखसती ले जाना। अरे सासू माँ मुझे जहेज कपड़ा कुछ नहीं चाहिए, आपका फायदा कर रहा हूँ मैं। अम्मा अम्मा मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, छोड़े हो मेरा, छोड़े मुझे, मुझे नहीं जान। शराफत बेटा चंदा को छोड़ दो। अरे कैसी माँ है आप, अपने दमाद से कह रही हैं कि आपकी बेटी को छोड़ दो। ये साथ तो अब उम्र भर नहीं छूटेगा सासू माँ। रोकने की बात नहीं है, इस वक्त चंदा भाभी भी रुखसती के लिए तैयार नहीं है और हम सभी तैयार नहीं है। तुझे बड़ा पता है कि चंदा को क्या चाहिए और क्या नहीं। चल चंदा हट भी जाए। भाई बहुत हो गया ड्रामा, छोड़ दे चंदा भाभी का हाथ। खबरदार अगर मेरे मामले में टांग अड़ाई तो यहीं के यहीं काट दूंगा तुझे, समझा? हाँ भाई, है कोई और जिसे एतराज हो? चल चंदा। नहीं चल 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 देख शराफत, माना कि चंदा अब तेरी बीवी है, लेकिन हमने सिर्फ निकाह की बात की थी, रुखसती की नहीं। चल मेरा बेटा, चल घर चले, छोड़ ये फजूल की बात। अम्मा तो ये जाना है तुझा, मैं तो अपनी बीवी को अपने साथ लेकर ही आऊंगा। अरे सासू माँ जाइए, जाकर अपनी बेटी को समझाइए कि चले मेरे साथ। आंटी ये कोई तरीका नहीं है, अचानक से शराफत भाई ने रुखसती का फैसला कर लिया, इखलाकी तौर पर कितनी बुरी बात है। बहुत अच्छे, पर तुम जो भी हो मुझसे ये किताबी बातें नहीं करो। पर छोटी सी बात है कि चंदा अब मेरी बीवी है और अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझे यहाँ से ले जाने से रोक नहीं सकती। बेटा तुम कैसी हरकत कर रहे हो, तुम्हारी माँ शर्मिंदा हो रही है। चलो जी ना खाला, मैं कुछ और ही कर रहा, आप सबकी मौजूदगी में मैंने चंदा से निकाह किया है, बीवी है वो मेरी, तो शर्मिंदगी किस बात की? हाँ? और तुम्हें रिश्ता करवाने के पैसे मिल गए हैं। बेटा पैसों की बात कौन कर रहा है, वो तो मिलने ही थे। तो लुबे लुबाब ये है कि अब अपनी जुबान 32 दांतों में दबा कर। अरे उठिए सासू माँ, जाके मेरी बीवी को लेके आइए, पहले रात हो रही है। चंदा के अब्बा आप खामोश क्यों, कुछ तो बोले। तो अंदर जा और चंदा को लेकर आ। तन्हा जिया भी ना जाए, शिकवा किया भी ना जाए, शिकवा किया भी ना जाए रा।
भर आए क्यों ये नैनाराबा। आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं। दामाद है मेरा और दामाद की बात मानना सुसर पे फर्ज होता है। मगर अगर मगर छोड़, जाके चंदा से बात कर। मुझे पता था सासू माँ यहाँ पे सबसे समझदार मेरे सुसर जी हैं। अब जाइए जल्दी से जाकर मेरी चंदा को लेके आइए। दरवाजा खोलो। नहीं अम्मा, अम्मा अगर मैंने दरवाजा खोला ना वो शरावत मुझे ले जाएगा। अम्मा, अम्मा। अरे मेरी बच्ची वो तो बाहर बैठा है, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, ये दरवाजा नहीं खोलूंगी, कभी नहीं खोलूंगी ये दरवाजा। चंदा, चंदा मेरी जान, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, दरवाजा तो खोलो। अम्मा, अम्मा मुझे नहीं जाना, अम्मा मुझे उसके साथ नहीं जाना। चंदा मेरी बच्ची, नहीं अम्मा, अम्मा अम्मा मुझे चुपा लो कि मैं किसी को नजर ना आऊं, वरना मुझे ले ले। चंदा मेरी बच्ची, कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं लेके जा सकता। अम्मा, अम्मा ठीक कह रही हो ना, मुझे 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 कोई जबरदस्ती तो नहीं लेके जाएगा ना। हाँ मेरी बच्ची, मुझे अम्मा ठीक कह रही है ना, मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना। हाँ चंदा, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अम्मा, अम्मा फौजिया है, फौजिया तुम एक काम करो ना, तुम उसको यहाँ से भेज दो ताकि वो मुझे लेके ही ना जा सके। अम्मा, अम्मा, अम्मा ताहिरा आंटी ने कहा था ना कि रुख्सती 2 साल बाद होगी, तो आप उनसे कहें ना कि अपने वादे पे कायम रहे। हाँ बेटा, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ, तुम खुद को संभालो। चंदा, 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 हाँ फौजिया इसकी दवाई लेकर आओ। चंदा, चंदा यहाँ बैठो। बच्ची, अम्मा, अम्मा मैं मर जाऊंगी। अम्मा नहीं, मेरी बच्ची कुछ नहीं होगा, या अल्लाह करम करना। ये ले चंदा, दवाई खा ले, दवाई खा लो मेरा बच्चा। या अल्लाह रहम करना अल्लाह। चंदा तुम अब लेट जाओ। नहीं अम्मा, अम्मा पहले हो शराबत में आज भी। लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्यों निकाह के चंद घंटों के बाद तलाक हो गई। तेरे अब्बा तो, तेरे अब्बा तो मुझे कसूरवार समझेंगे ना। चंदा तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। हद है मौलवी साहब, क्या जमाना आ गया है, अपनी बीवी को ले जाने के लिए इतने जतन करने पड़ रहे हैं। अरे सुसर जी, अब तो रात हो गई है, मेहरबानी करके मेरी बीवी को ले आइए। वो रुखसाना लेके आ रही है उसे। लो। हाँ सासू माँ, कहाँ है मेरी बीवी। चंदा सदमे से बेहोश हो गई है। है, सदमे से बेहोश हो गई। अरे शादी पे तो लड़कियां खुश होती हैं सासू माँ। शायद अचानक रुखसती की बात से घबरा गई होगी। शराफत बेटा, चंदा तुम्हारी अमानत है, मैं उसे समझाऊंगी, वो मान भी जाएगी, कुछ दिन के बाद आके ले जाना।
सासू मां सूरज मगरिब से निकल सकता है लेकिन मेरा इरादा नहीं बदल सकता। चंदा आज रात ही मेरे साथ जाएगी वरना कभी नहीं जाएगी। रुखसाना बहन ने बिल्कुल ठीक बात की है शराफत। क्या मतलब है भाई, मैं शोहर हूं चंदा का, मैं क्या बकवास कर रहा हूं, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मियां बीबी को अलग करके क्या मिल रहा है आपको। जब सुसर जी को कोई एतराज नहीं तो आपको क्या मसला है सासू जी। मौलवी साहब आप समझाए ना शराफत बेटे को। देखें शराफत शोर है चंदा का और चंदा मनकुहा है शराफत की। चंदा के वली हैं अख्तर साहब और अख्तर साहब ही रुख्सी देने को तैयार हैं। मेरे ख्याल में शराफत साहब का तकाजा ऐन शरई है। वाह 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 मौलाना साहब क्या सही बात की है, सही मौके पे। सुन लिया आप सबने, मैं अपनी बीवी को ले जाने का पूरा हक रखता हूं। अम्मा जाइए सासू मां, देखिए होश आया मेरी जोजा मुहतरमा को। मैं गाड़ी वाले को देखकर आता हूं। मेरी बीवी नहीं आ रही, इसको गाड़ी की पड़ी। आपने बुलाया मुझे? इनायत, चंदा किसी सूरत रुखसती के लिए नहीं मानेगी। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, एक बार अड़ जाए तो उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। देखिए आप जो चाहती हैं हमारा भी वही ख्याल है, लेकिन शराफत भाई भी बहुत अड़ियल है। आपने देखा नहीं इस तरह उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। अब क्या हो सकता है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि शराफत भाई उसे ना ले जाएं? ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं भाई से बात करके देख सकता हूँ। इनायत प्लीज मनाएं अपने भाई को, वरना चंदा रो रो कर अपनी जान दे देगी। मैं भाई से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तू इसकी मैयत के सराहने बैठ के टसवे बहाती रहेगी या कुछ कहेगी भी? जिंदा सलामत को मैयत कह रहे, कुछ तो खुदा का खौफ करे। मेरी तरफ से ये उसी दिन मर गई थी जिस दिन ये पैदा हुई थी। कैसे बाप हैं आप, गैर के साथ मिल गए हैं बजाय अपनी बेटी की तरफदारी करने के, शराफत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे अक्कल से सोच, 2 साल बाद रुखसत करेगी तो जहेज देना पड़ेगा। आज अगर चली गई तो मुफ्त में छूट जाएंगे हम। और कान खोलकर सुन ले, शराफत गैर नहीं दामाद है मेरा, और ये बेटी नहीं नहुसत है, नहुसत। बेटी रहमत होती है, कैसे बाप है आप? जिनके लिए होती है ना उनके लिए होती होगी, मेरे लिए तो चंदा जहमत है जहमत। होश में आ जाए ना तो आकर बता देना। चंदा तुम उठ गई बेटा? बहुत पहले ही जाग गई थी। चंदा तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि ये नहुसत ये जहमत इस घर से निकल जाए। तो तुमने सब सुन लिया? बचपन से सुनती आई हूं ये सब कुछ। अम्मा शराफत से जाके कह दे आज चंदा उसके साथ नहीं जाएगी। देखें आज मैंने तेरी सारी राम कहानी सुन ली है, अब लुब्बे लुबाब यह है कि चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रख और बैठ जा वहां जाके। भाई आप समझने की कोशिश तो करें, 2 साल की तो बात है, पर तो रुखसती होनी है ना। देखना है एक बात होता है कि मैं अभी इसी वक्त अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अगर अब तूने मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तेरी टांग तोड़कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। समझ गया ना?
शराफत, तुझे खुदा का वास्ता अपना इरादा बदल ले, क्यों तमाशा बना रहा है? रुखसती बाद में हो जाएगी, इसमें क्या हर्ज है? अम्मा मैं चंदा को आज ही लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना आज चले जाओ, दो चार दिन के बाद चंदा को ले जाना, वादा है मेरा। अरे वाह सासू माँ, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? चंदा की कैफियत ऐसी नहीं है कि उसे मिला जाए। तुम चुप रहो, चलो बेटा, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा हक है उस पे, जाओ जाके मिलो। बहुत शुक्रिया ससुर जी। ए लड़की, चल बाहर। ये मेरी दोस्त है, जो कहना है इसके सामने ही कहेंगे, कहीं नहीं जाएगी। अरे चंदा रानी, ये दोस्त है और मैं शौहर, मियां। देखो मियां बीवी की हर बात हर ऐरे गैरे के सामने नहीं हो सकती। ए निकल बाहर। घबरा क्यों रही हो चंदा रानी? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें आज मेरे साथ जाना है, ये बात तो है। अब शराफत के साथ, शराफत से चल पड़ो, वरना घसीटता हुआ यहां से ले जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे एक मिनट, तुम तो जाना है, फिर इतनी देर क्यों कर रही है तू? हाथ मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। क्या क्या बचकाना हरकत है चंदा रानी, ला देख दे मुझे। पागल हो गई है क्या चंदा रानी? कुछ भी कर, आज तुझे मेरे साथ जाना है, वरना वरना क्या कर लोगे? वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब बता चलती है या नहीं? कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तो ठीक है, मैं तुझे तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुझे, तलाक देता हूं। कुछ बेहया बेगैरत, तेरी जिद की वजह से तुझे तलाक हुई है। लोग क्या क्या बातें करेंगे, क्यों निकाह के चंद घंटों के बाद तलाक हो गई? तेरे अब्बा तो मुझे कसूरवार समझेंगे ना। ए चंदा, तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, एक कालक पोत दी है मेरे मुंह पर। लोग हंसेंगे मुझ पे, उंगली उठाएंगे, मैं उनकी बातें कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? इससे तो बेहतर ना मैं हाँ पड़ गई ना सोच में, अब बता चल रही है या दू तलाक? कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इतनी ढीट क्यों है तू? हाँ तो रुक, अभी के अभी तेरा फैसला करता हूं मैं। किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है वो। शराफत मैं कह रही हूं ना कि रुखसती कुछ अरसे बात कर लेंगे, क्यों तुम सबको मुसीबत में डाले हुए हो? अरे मुसीबत तो चंदा ने खड़ी की है अम्मा। बस आसुमा
बहुत हो गया। अब तक मैं मामला प्यार से हल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैं आप सबको आखिरी मौका दे रहा हूं कि जाके चंदा को मना ले, वरना मैं अभी और इसी वक्त चंदा को तलाक दे दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? जो आपने सुना सासुमा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शादी कोई खेल है जो तुम इस तरह कह रहे हो? अरे अम्मा, खेल तो चंदा ने समझ रखा है, मैंने नहीं। शराफत बेटा, अगर तुमने चंदा को छोड़ दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक, यही बात जाके अपनी बेटी को समझाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वजह क्या है जो वो रुखसत नहीं होना चाह रही। भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं शराफत भाई, ऐसी कोई वजह नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। तो फिर वो जाने को तैयार क्यों नहीं है? सबको सांप सुन तो ठीक है, फिर मैं तलाक दे ही देता हूं। भाई मुंह से इस तरह का कोई लफ्ज मत निकालिएगा, मैं बात करता हूं भाभी से। तू कौन मकाम का, तू क्या बात करेगा? भाई कुछ तो बात करूंगा ना, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मरतबा कोशिश कर लेता हूं। अनायत तू दूर ही रह मेरे मसले से। अरे क्यों दूर रहे, करने दो उसे बात। जाओ अनायत, जाओ जाके बात करो। अगर तुम रुखसती के लिए मेरी रजामंदी लेने आए हो तो कुछ कहे बगैर ही चले जाओ। मैं शराफत के साथ नहीं जाऊंगी।